अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाँ भाई, तू मेरी बात क्यों मानेगा रुद्र? हम तो तुम्हारे सौतेले नानी है ना। सगी नानी होती तो शायद मान लेते बात। इसका मतलब राजवीर रुद्र का सौतेला भाई है? थैंक यू। दरअसल ये हमने अपनी दादी से बनाना सीखा है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। असली तमाशा तो अब होगा। अरे कुछ गड़बड़ है का? हम चख के देखते। ले पी ले। ये खाना कोई नहीं खाएगा। नानी ब्रेड दो। पर क्यों? दो ना। बोलना क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ नानी। सो परफेक्ट। आप ही ने कहा था ना कि देवयानी ने पहली बार खाना बनाया है, तो मुझे भी खाना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूं कि ये खाना हम दोनों एक साथ खाएंगे मेरे कमरे में। ये रुद्र करना क्या चाहता है? रामू इधर आओ, ये सारा खाना मेरे कमरे में लगाओ। अभी चलो चलो साथ में खाते हैं। नानी मॉम, सौतेले मतलब? सौतेले मतलब रुद्र के पापा की मेरे साथ दूसरी शादी है, और रुद्र उनकी पहली पत्नी का बेटा है। हम तुम्हें बताने ही वाले थे, लेकिन सब कुछ ऐसे अचानक हो गया कि मतलब रुद्र जब चाहे राजवीर को चाय में पड़ी मक्खी की तरह घर से बाहर फेंक सकता है। बैठो बैठो, रखो इधर। जाओ यहां से। बहुत खुशी हुई मुझे कि तुमने अपने हाथों से किचन में खाना बनाया, भगवान को भोग लगाया, एंड आई एम श्योर तुमने तो कुछ खाया नहीं हो, राइट? लो खाओ, पकड़ो। नहीं खाएंगे? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तुमने बनाया है, तुम खाओ खाओ। देखूं तो सही इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। खाओ।
उखड़ो अपना, उखड़ो। इतना तीखा? मिर्ची लगी तुम्हें? मुंह खोलो अपना, मुंह खोलो अपना। बैठो। रुद्रजी प्लीज। मेरे परिवार के लिए गड्ढा खोदने चली थी ना तुम, अब उसी गड्ढे में तुम खुद गिरोगे। खत्म करो इसे, मैंने कहा खत्म करो इसे। जानबूझ के किया ना तुमने सब, मेरे परिवार को तकलीफ देना चाहती थी तुम। झूठ बोल रही हो, मेरे परिवार की तरफ कोई देखेगा भी तो उसकी जान ले लूंगा मैं, समझी तुम? खत्म करो इसे, मैंने कहा खत्म करो इसे। जल्दी खाओ, खाना खत्म करो, नहीं तो ये खाना मैं खुशी को खिला दूंगा। खुशी को, उस बच्ची को हम खाते, आप प्लीज उसे नुकसान में पहुंचाइएगा। दो दिन हुए तुम्हें खुशी को मिले, कितना प्यार करने लगे ना तुम उसे, तो सोचो मैं अपने परिवार को कितना प्यार करता हूंगा। खत्म करो इसे, मैंने कहा खत्म करो इसे। एक निवाला नहीं बचना चाहिए। हे माता रानी, ये लड़ाई लड़ने की शक्ति दीजिए। मुझे लगा कि मेरा प्लान फुस हो गया, एकदम फ्लॉप, लेकिन यहां तो धमाका हो रहा है। वेरी गुड तारा, वेरी गुड। खाओ।
इतना सबक काफी है तुम्हारे लिए। कल से मिर्ची का नाम तक नहीं लोगी तुम। कल पग फेरे की रसम है, अकेली जा रही हो तो अकेली वापिस आना, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। और अगर वापिस नहीं आई अकेली तो इससे भी बुरा हाल होगा तुम्हारे परिवार का। और जब पग फेरे की रसम हो तो दोबारा यहां पर लौट कर आने की कोशिश मत करना, समझी? चाबी तुझे मिली और एक मुझे। लीजा, मेरी मदद कर दीजिए। दूध पीना पड़ेगा, पतन चल रहा है। तुझे क्या लगता है? मैं तुझे आराम दूंगी। बिल्कुल भी नहीं, तेरी गलत फहमी है। जिस चीज को पाने के लिए, जिस जिंदगी को पाने के लिए और अपनी जिंदगी बदलने के लिए तू इस घर में आई थी ना, तेरी उसी जिंदगी में जल्लाद बन के आया है तेरा पति। तुझे पता है क्या, मैं ना ऐसी ऐसी हरकतें करूंगी कि वो तेरा जीना हराम कर देगा। तुझे इतना परेशान करेगा कि तू रोती रहेगी, मतलब रस नहीं खाएगा। तेरी वजह से उस अपाहिज की बीवी बनी हूं मैं, जिंदगी खराब हो गई। मुझे पता होता उसकी औकात दो कौड़ी की नहीं है ना तो, पर नहीं, गलती उसकी नहीं है, गलती तेरी है। सब जानती थी ना तू, वो तो तुझ पे ऐसे जान छिड़कता था, प्यार करता था तुझसे, सब बताया था उसने तुझे, इसलिए तूने मेरी सारी बातें आसानी से मान ली, शादी के लिए मना कर दिया। तेरी जितनी चुकनी पोत में नहीं आने वाली हूं मैं, तुझे जितना मासूम बनना है बन ली, अब तो मैं तुझे सिर्फ तड़पाऊंगी, तू देख।
कि बड़ी दादी को सब सच बता देती हूँ। देवयानी बेटा, देवयानी बेटा क्या हुआ? अरे तुझे तो इतना तेज बुखार है बेटा, ये अचानक कैसे हो गया? हमने हरी मिर्च खा ली और ऐसी हालत हो गई। देवयानी, एक हरी मिर्च से कुछ नहीं होता है, सच बोलो क्या बात हुई, किसने किया और कैसे हुआ ये सब? बड़ी दादी, पापा ने किया है ये सब। तारा रानी बुचिया कितना सुंदर लग रहा है। एक मिनट, एक मिनट, ये लीजिए। ये क्या था दादू? ये हमारा स्टाइल है नजर उतारने का। थैंक यू दादू। जिया जिया जिया, महादेव सब भला करे। देखा तुमने, हमारी तारा बिटिया कितनी सुंदर लग रही है ना। आई आई, किसे ढूंढ रहे थे तू? दिव्यानी बच्चा नजर नहीं आ रहा। दिव्यानी वो एक्चुअली ना उसे कोई काम आ गया था, तो उसने कहा वो बाद में आएगी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, तो आप आइए बैठिए, हम अभी आता हूं। राधे शाम शराम। आजा बिटिया, आजा आजा आजा, अंदर आजा। अच्छा अच्छा, छोड़ दो आप लोग मुझे। और बता, तेरा ससुराल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं? वहाँ सब ठीक है ना बेटा? हाँ। ओ प्लीज, ये आप दोनों ना केयर करने का ड्रामा यहीं पे बंद करिए, फुल स्टॉप लगाइए इस पर। एक तो इतने गलत रिश्ते में मुझे फंसा दिया और अब परवाह करने का दिखावा कर रहे हैं। खुशी, खुशी नहीं, नानी वहां कुछ भी नहीं हुआ है। चुप, कुछ नहीं बोलना बीच में। खुशी बेटा, बड़ी दादी और तुम्हारे बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए, है ना? इसलिए मुझे पूरी बात बताओ। ये कैसी बातें कर रही है? हमने हमने तुझे फंसाया है, तुझे ये रिश्ता करना था ना? हमने तो तुझे मना भी किया था, भूल गई? किया था, लेकिन ये रिश्ता भी तो आप ही लोग लेकर आए थे ना मेरे लिए। अरे पहले चेक नहीं कर सकते थे? देख बेटा, कहा तो लग जाए ढक से, अब ऐसे गोल गोल जलेबियां मत बना बेटा।
जो बात है साफ साफ बता कि क्या हुआ है। हाँ ठीक है, तो लाइन की तरह ना एकदम स्ट्रेट सीधी सीधी बातें सुनिए। क्या सौतेली मतलब रुद्र के पापा की मेरे साथ दूसरी शादी, और रुद्र उनकी पहली पत्नी का बेटा है। अब तुम्हारी शादी रुद्र से हो गई है, अब तुम इस घर की मालकिन हो भाई। रुद्र ही तो इस जायदाद का, इन सब चीजों का वारिस है, तो फिर ये तो मालकिन हुई ना। आप समझे क्या प्रॉब्लम है? वो देवयानी बहुत चालाक है, उसने चालाकी से उस अपाहिज भिखारी से मेरी शादी करवा दी और मुझे घर की नौकरानी बना दिया है। I mean, लेकिन आज और खुद इस महल की महारानी बन के बैठी है, like queen of palace। देवयानी रुद्र, ये जो इतने सालों में आशियाना बनाया है ना आपने, उसे ताश के पत्तों की तरह बिखार दूंगा। आपको इतना मजबूर कर दूंगा कि आपको मेरे आगे घुटने टेकने पड़ेंगे अपनी जिंदगी या अपनी खुशियों के। कल पगफेरे की रस्म, अकेली जा रही हो तो अकेली वापिस आना, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊं। और अगर वापिस नहीं आई अकेली तो इससे भी बुरा हाल होगा तुम्हारे परिवार का।